तो आज की सेकंड वीडियो हमारे रहने वाली है कट ऑफ को लेकर, जिसमें हमारा पोस्ट कोड है सेंट्रल रीजन के 14-7-24, केकेआर रीजन के 10-4-10-4-24 और सेंट्रल रीजन के 12-4-24। इन तीन पोस्ट के कट ऑफ को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा पोस्ट कोड है 14-7-24। जिसमें आपके यूडीसी कलर का की पोस्ट है, तो देखो इसमें सेम पोस्ट तो लगभग आपके इस डिपार्टमेंट को पहली बार, यानी कि पोस्ट है इसको इंक्लूड किया गया है, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में इसको देखने नहीं मिली है, तो इसी के रिलेटेड हम कलर की पोस्ट होगी उसको हम देखेंगे। जो आपके ग्रेजुएशन की आपके कलर की पोस्ट होगी, तो इसको हम देख के थोड़ा अंदाजा लगाएंगे कि क्या आपके कट ऑफ के चांस बन सकते हैं। तो जिसमें आपका लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट तो आपको यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, एक मिनट हाँ वापस देख लेते हैं, मिल जाए तो। यानी कि अपर डिवीजन कलर की पोस्ट तो अपन को यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। नहीं मिले तो यहाँ पे हम थोड़ा देखो, या कलर की पोस्ट को हम आपके ग्रेजुएशन लेवल की चेक करते हैं। शायद अपन को एलडीसी की जो आपके लोअर डिवीजन कलर है, इसी को हमको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार कंपेयर करते हैं कि आपकी कट ऑफ रही थी पिछली बार, और अगर इसमें आपके देखो ओनली ग्रेजुएशन मांगी गई है इस पोस्ट में, तो आपकी कट ऑफ हाई रहेगी निश्चित तौर पे, ये आप मान के चलो। तो चलते हैं देखते हैं एनआर रीजन में आपके 11-8-23। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हाल है आपकी। देखो इसमें अगर ओनली ग्रेजुएशन मांगा, आपकी जो यूडीसी की पोस्ट है, तो आपके इतने कट ऑफ तो आपके रहने के चांस बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे। और आपकी बार आपकी जो वैकेंसी देख रहे हैं, वैकेंसी भी आपके इसमें एक ही है, तो निश्चित तौर पर आपकी कट ऑफ तो आई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ही है, यानी कि इसी के अराउंड आपको कट ऑफ देखने के चांस आपको मिलेंगे। 164 के अराउंड आपको यूआर की कट ऑफ देखने के चांस मिल सकते हैं, और इसमें आपका ओनली यूआर की वैकेंसी थी, तो आपको ध्यान रखना है। आपकी जो इसमें जो कैटेगरी है, वो आप कैटेगरी देख लेना कि इसमें आपकी कैटेगरी कौन सी है। बुझते हैं इसमें भी आपके यूआर की कैटेगरी है, तो इतने कट ऑफ आपके रहने के चांस बनेंगे। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं 16-5, नहीं सॉरी के 10, तो अपर डिवीजन कलर ये भी लगभग इसमें भी आपके लगभग सेम ही आपके कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे, यानी कि 160+ से 170 के अराउंड आपके कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे यूआर की पोस्ट में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कोड है 10। जूनियर इंजीनियर के बारे में मैंने आपको वैसे भी कल बताया था इस पोस्ट के बारे में, पर शायद ये डिपार्टमेंट शायद कुछ अलग है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये डिपार्टमेंट है आपके एश्योरेंस अर्मामेंट एम्यूनेशन। तो देखते हैं इसको, ग्रेजुएशन एबो की पोस्ट है आपके ये,
अपने यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले भी। देखो ये पोस्ट अब हमको यहाँ पे मिल चुकी है, यहाँ पे आपके सेंट्रल रीजन है, तो सेंट्रल रीजन में एक बार जाके देख सकते हैं मिल जाए तो। सेंट्रल रीजन में तो आपके इसकी पोस्ट आपके नहीं है, तो यहाँ पे देखो सेम पोस्ट है एना रीजन में, तो इससे हम थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। आपकी बार 28 वैकेंसी है, पिछली बार आपके 7 वैकेंसी थी आपके सेंट्रल रीजन में, तो यानी कि थोड़ा आप कट ऑफ आपके डाउन रहने के चांस बनेंगे। तो चलते हैं, तो पोस्ट कोड है हमारा, तो देखो इसमें आपके दो पोस्ट आपके एक जैसी है, एक में 17 थी और एक में 7 थी, तो एक बार दोनों को देख लेते हैं हम। 18 4 23, देखो यहाँ पे अगर यूआर की बात करें तो यहाँ पे आपके 130 कट ऑफ आपको देखने को मिले थे यूआर में, और ओबीसी में आपको 109, यानी कि आपके 20 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। तो अभी हम नेक्स्ट पोस्ट है इसकी और है, उसको देख लेते हैं हम। सॉरी सॉरी, ये एक ही पोस्ट आपके जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस आर्मामेंट एंड एमोनिशन, एक ही पोस्ट है जहाँ पे आपके 17 वैकेंसी थी, तो यानी कि ये आपके सेम पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिली है, यानी कि अगली बार जो आपके कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे वो आपके 110 से लेकर 110 से लेकर आपके 120 के बीच में आपके कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे यूआर कैटेगरी के। ओबीसी के आपके लगभग 105 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं ओबीसी की। तो ये तीनों की कटऑफ मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट वीडियो भी आपके आने वाली है कटऑफ को लेकर, तो जुड़े रहना, शाम तक आपको सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।